नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना की मार के बीच प्रशासन की लापरवाही ने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है लापरवाही। और ऐसी एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। खुद कॉलेज के डीन ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई शहडोल मेडिकल कॉलेज में, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। पहले 6 लोगों की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर 10 हो गई है। और खुद कॉलेज के डीन ने इस बात की पुष्टि की है। कोरोना से लड़ाई में इस वक्त ऑक्सीजन एक बड़ा हथियार बना हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग परेशान हैं। कई जगह तो लोग खुद ही प्राइवेट में बाहर जाकर सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं, ताकि उनके जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन सही वक्त पर और सही तरीके से मिल सके। लेकिन बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर आप देखिए, शहडोल से है मध्य प्रदेश के, जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हमने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं, और पूरी लापरवाही शासन की है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।